नमस्कार। तो मैं हूँ योगेश भतोड़िया और आपके साथ और आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं सबसे बड़े गढ़वाल के बहुत बड़े अभिनेता गुल्लू, इनका नाम जिस मूवी से सुपर हिट ये हुए हैं। और अभी इनका जो वर्तमान जो रियल नेम है मिस्टर दीपक रावत, देवेंद्र रावत जी। और ये अपना जो परिचय देने वाले हैं आपको, और अपना परिचय देंगे कि किस तरीके का इनका सफर रहा, क्यों लोग इनको भूल गए, आप इनको याद नहीं करते, तो प्लीज। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर आपको, और धन्यवाद आप सभी लोगों का जिन्होंने गुल्लू मूवी को देखकर बहुत प्यार दिया और अभी भी देते रहते हैं। और हम वो सफ़र थोड़ा सा डिले इसलिए हुआ कि हमारा जो फील्ड था थोड़ा सा डिसबैलेंस के चक्कर में हमें पीछे आना पड़ा, इस वजह से हमने फिर से दोबारा मूवी में नहीं किया। और फिर वहाँ से मुझे दोबारा फ़ोन भी नहीं आया। फिर बीच में एक बार आया जब वर्तमान ही जब एक लॉकडाउन लग गया था फर्स्ट वाला, उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि शायद गुल्लू 2 बनने के लिए, तो मैं वहाँ गया था तो उन्होंने बातचीत की थी। फिर उसके बाद सेकंड लग गया था तो उसके बाद हमारा कॉन्टैक्ट उनसे मिला नहीं है। पर जो भी रहा हमारा वो सफ़र वो छोटे तो फिल्म। मैं जानना चाहता हूँ मिस्टर रावत जी, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपको उसके बाद कुछ बेनिफिट मिला जो आपने मूवी करी थी, कुछ आपको मतलब जो मिलना चाहिए था, जो मतलब एक अच्छी पहचान जो थी गुल्लू मूवी से जो आपको मिली चीज़ें, मुझे लगता कि आपको मिली होगी, तो मैं ये सब आपसे जानना चाहता हूँ, तो प्लीज़ बताइए हमारे प्यारे दर्शकों को। दर्शकों का सिर्फ हमें उस मूवी में हमें सिर्फ प्यार मिला है, और जो रही बात अदरवाइज अगर आप जो कहना चाहते हैं उसमें हमें इतना बेनिफिट हमको नहीं मिला है। वो जिन्होंने जो उन्होंने फिल्म बनाई उनको हालांकि इसमें बेनिफिट मिल रहा होगा, लेकिन हमें उसका बेनिफिट नहीं मिला। उस टाइम हम बच्चे भी थे तो हमें इस बात का अंदाज़ा अब हुआ कि जब हम वहाँ से थोड़ा आगे 10-12 साल हो गए। जी, तो मिस्टर रावत जी अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने शेफ का सफर कैसे शुरू करा, क्या आपके भावना में मन में ये भावना आई कि आपको एक शेफ बनना चाहिए और आगे आपका करियर जो मतलब एक शेफ में बहुत अच्छा रहे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। सर दरअसल मेरी चॉइस तो उसी में थी, फिल्म लाइन में थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फैमिली इशू के कारण मुझे मतलब होटल लाइन या एचएम करना पड़ा, तो उस हिसाब से मेरा जो जर्नी था वो शेफ। ओके, तो आपको क्या शेफ का जो क्लैरिटी ऑफ लाइफ लग रही है, क्या आपको लगता है कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है शेफ में ही आप आगे करोगे, या मूवी एक्टिंग वगैरह कुछ करोगे दोबारा से, हमारे दर्शकों को आप लुभाने की कोशिश करोगे? नहीं सर, वो हम अभी भी करते हैं। और रही बात मेरे इस करियर की, तो इसमें सर दो चीज़ें होनी बहुत जरूरी है, एक पर्सनल चीज़ें होती हैं, एक प्रोफेशनल चीज़ होती है। ये प्रोफेशनल है, वो हमारी पर्सनल चीज़ें हैं। उसमें मैं अपना चैनल बना रखा है जो राहुल जोन के नाम से। आपका जो यूट्यूब चैनल है, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे किस नाम से आपका चैनल है? और जी, हमारे जो चैनल का नाम है सर, उसका नाम है रावत जोन, जो कि हमने हाल में जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा था उस टाइम बनाया था, और लोगों को लुभाने के लिए और उनसे फिर से यादगार ताज़ा करने के लिए हम अभी भी आपके साथ जुड़े हैं। हाँ, तो आपने आज मैंने आपको जो मिला है आपके सुपर स्टार गढ़वाल के, हमने भी देखी है बहुत अच्छी तरीके से, मैंने वो मूवी देखी, रियली सुपर हिट मूवी इन द, मतलब मैं बोल नहीं सकता हूँ कि उत्तराखंड में कभी गुल्लू नाम से जिस मूवी का हमने देखा हुआ है बचपन से हम देख रहे हैं कि वो यही है, और मुझे खुशी हो रही कि मेरे को तो इनसे मिल रहा हूँ और बड़ी मुलाकात मेरी इनसे हुई है, और मैंने तो उनको कहा भी कि मिस्टर आप गुल्लू ही हो, मैं तो आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आप मुझे यहाँ शेफ के इस ऑनर अब दिख रहे हो, तो प्लीज आप, मैं आप सभी दर्शकों से ये अनुरोध करूंगा कि कृपया अपना प्यार हम पे जो मिस्टर गुल्लू पे और हम पे बनाए रखिएगा, और इसी तरीके से हमें प्यार कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारत। तो गाइस फाइनली आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे ज़्यादा मैं भी बोल रहा हूँ कि आप शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारी जो गुल्लू सुपरहिट अभिनेता जो हैं इनकी जो वीडियो है इनको सुपरहिट बनाएं और वापस से योगदान दें, अपना दर्शक जो दर्शक हैं आप लोग, तो इनको प्यार दें, वही प्यार दें जो आपने पहले भी इनको दिया है, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और राहुल जोन चैनल को भी सब्सक्राइब करें और एक बार देखिए, उसमें भी हमने गुल्लू बना रखी है अपने गुल्लू के, वो अच्छी मूवी है, आप देखें। ओके, थैंक यू।